देखा चुटकी दे उठे, ओए ये की ओए, ये तो मारने लगा रहा है, इधर देखें यार, ये तो मुझ पर मुसलसल अटैक कर रहा है, ये देखें भाई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज भाई हमारे पास आए हुए हैं दो अदद मुर्गे, ये है जी फैजान का मुर्गा और वो है जमशेद का, तो इन दोनों को आज हम करवाने वाले हैं मुकाबला नहीं बल्कि तो फाइट वगैरह नहीं करवाने वाले, लेकिन इनकी थोड़ी बहुत मस्ती की वीडियो बनाने वाले हैं। मैंने इनको कहा कि भाई ले आओ थोड़ा बहुत शुक्र करते हैं। फैजान कुकर थोड़ा परते करके छोड़ यार, ही में छोड़ रेखा की में कुकड़े, कितने का लिया है भाई जान, कितने का लिया है? अरे भिरा फरानी दे, अच्छा जमशेद भिरा, थोड़ा परते करके छोड़ी है कुकड़ को, तो इनकी थोड़ी बहुत हम वीडियो बनाने वाले हैं। दोनों असील हैं और ऐसा लगता है कि भाई ये दोनों जैसे भाई हो, देखें एक कितने कर रहा है, नहीं भाई लड़ना नहीं है, भाई लड़ना नहीं है मेरे भाई, लड़ना नहीं है, बिल्कुल फाइट जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है, चैनल पर भी अलाउड नहीं है फाइट, क्योंकि स्ट्राइक आ जाती है और हम खुद भी फाइट के शौकीन नहीं है। बाकी ये आप देखें भाई काफ़ी खूबसूरत है और बिल्कुल ब्रदर, ये थोड़ा तेज कलर में है और ये थोड़ा लाइट है, बाकी जो है ना एक ही तरह, ये देखें भाई लड़ने के लिए तो ये इतने बेचैन होते हैं कि खैर है ना, देखा चुटकी देते ये है भाई, ये तो मारने लगा रहे, इधर देखें तो बहु मस्त है, मैं देखो सुस समझी भी अमीन, देख यार ये तो मुझ पर मुसलसल अटैक कर रहा है, ये देखें भाई, देखा ये कहने दे, ये डर रहा है भाई, ये अटैक करने के मूड में नहीं है, ये बिल्कुल यंग है फ्रेश है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं दूसरा, ये थोड़ा एज में ज्यादा है लेकिन मस्ती इसकी भी, ये देखें आए, ये तो नंबर ऐसी तुम जो नंबर ऐसी वो तेरा बेर दे, ये ना कर बेर दे, बेर दे सारे चुटकी नहीं करना, ते डू पड़ता भाई आंदा नहीं जावण से कोई खड़ा जाना, मैं किन पकड़ किन फैजान पकड़ किन, तेरे वाला है बुड्ढा बुड्ढा कुकड़ ना कर, तेरे वाला बुड्ढा है, बुड्ढा है, बुड्ढा है, हां बस पकड़, लड़ावना नहीं यार, पकड़ गिन पकड़ गिन पकड़ गिन, नकार नकार यार, के भाई चमन के साथ तो इनकी ऐसी दुश्मनी है, ऐसी दुश्मनी है कि जैसे बस इनको छोड़ने की देर होती है और उसके बाद ये शुरू हो जाते हैं और नॉन स्टॉप बिल्कुल, ये देखें जी पानी वाले बर्तन का ये ऐसा हाल कर देते हैं, वो तो मैंने बर्तन साफ कर लिए लेकिन इस बर्तन का हाल देखें, इसको भी साफ करना है, माशाल्लाह जी देखें कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं, कितने खूबसूरत, और यहाँ कर बहुत ज़्यादा बंदे को सुकून मिल जाता है, मैंने कुछ ना कुछ पौधे लेने थे तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर आ गया हूँ और थोड़े बहुत मैंने पौधे ले लिए हैं और अभी जाएंगे घर और पौधों को लगाते हैं, माशाल्लाह आँखों को ठंडक महसूस होती है और बड़ा ही सुकून मिल रहा है, आज वैसे तो मैं गया था मुर्गियों वगैरह की खुराक लेने लेकिन जब मैं गुजरा हूँ भाई नर्सरी से तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं ले आया, ये क्या चीज़ ले आया भाई, मैं ले आया बड़े खूबसूरत खूबसूरत पौधे, ये देखें भाई चार अदद पौधे मैंने लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और ये खुराक तो मैं ऑलरेडी ले आया हूँ उनकी और ख़ुराक मैंने उनको दे भी दी है, तो अभी मेरे हाथ में है पेलचा वगैरह, तो मैं लगाने वाला हूँ भाई पौधे और सबसे पहले कौन सा पौधा लगाएं, ये वाला ये वाला ये वाला, तो सबसे पहले ये वाला खूबसूरत सा जो सबसे खूबसूरत पौधा मुझे लग रहा है तो सबसे पहले ये लगाते हैं, सबसे पहले ये वाला पौधा चेक करते हैं, जो भी आता भी है या नहीं आता, ये देखें भाई ये देखें, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला पौधा जो है वो लग चुका है। चेक करूं पहले सही मत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे पौधे मैंने लगा दिए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और अभी मैं आपको पौधे दिखाता हूँ जो जो पौधे मैंने लगाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो पौधा आप देख रही हैं ये तो पहले से ही लगा हुआ था और ये वाला पौधा मैं आज नया लेकर आया हूँ। माशाल्लाह इसके आप फूल वगैरह देखें, थोड़े से एक दो फूल इसने सफ़ेद उठाए हुए हैं और बाकी इंशाल्लाह ये उठाएगा, बहुत ही प्यारा पौधा है। उसके अलावा ये वाला जो है ये पहले से लगा हुआ था लेकिन अभी तक इसकी सही ग्रोथ वगैरह नहीं हो रही, तो दुआ करें कि ये थोड़ा बहुत जल्दी ग्रो हो जाए। उसके अलावा ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं ये भी सेम टू सेम उसी की तरह है लेकिन इसकी भी ग्रोथ का फ़िलहाल कोई लेवल नहीं बन रहा। भाई ये देखें ये गुलाब लगा हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा अरसा हो गया लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई क्यों ग्रो नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत होता है फिर इसके पत्ते गिर जाते हैं लेकिन बहरहाल मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है कि कुछ ना कोई रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत ये वाला जो आप देख रहे हैं ना भाई ये तो बहुत स्पेशल चीज़ मुझे लग रही है। माशाल्लाह मैं आज ले आया हूँ तो थोड़े बहुत जो है फूल थे और माशाल्लाह लगाने के बाद बहुत सारे फूल जो है इस पर खिल गए हैं और क्या ही लेवल का रिज़ल्ट दे रहा है भाई। ये तो इंशाल्लाह कल जो आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फूल इसने उठाए हुए हैं और ये सारे जब निकल आएंगे तो फिर इसका लेवल ही कुछ और होगा। और ये देखें इसका एक अपना लेवल है माशाल्लाह, ये बड़ा पौधा है, ये भी सारे सफ़ेद फूल देगा। और ये देखें भाई फीलिंग्स आप चेक करें कि क्या आती होंगी लाइव देख कर, आया आया क्या एच डी लेवल है इसका। उसके बाद हमने लगाया ये वाला, इसका लेवल फ़िलहाल को इतना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन ये जब बड़ा हो जाएगा तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसके सारे रेड रेड फूल होंगे और ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसका एक बेहतरीन किस्म का सिस्टम बन जाएगा। उसके अलावा थोड़ा दूर होकर मैंने यहाँ पर लगाया है आम, ये मैंने लगाया है मैंगो और फिर देखते हैं कि भाई मैंगो का क्या रिज़ल्ट मिलता है। उस्मान क्या कर रहे हो बेटी, नए पौधे देखे बेटा जो आज हमने लगाए हैं, देखे कि नहीं देखे? उस्मान खेल रहा है गाड़ी के साथ भाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।